हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हमारे चैनल हेल्प सीरीज पे स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2019-21 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आप भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में शामिल होने वाले हैं और आपका सत्र 2019-21 है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 13/11/2019 से लेके 30/11/2019 तक आरंभ हो गया है। दोस्तों, यदि आप वर्तमान समय में कक्षा 11वीं के छात्र हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और निर्धारित शुल्क दिनांक 13 नवंबर 2019 से लेके 30 नवंबर 2019 तक जमा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप लोगों का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप जहां भी एडमिशन लिए होंगे, जिस भी संस्था में एडमिशन लिए होंगे, फ्रेंड्स आपको अपने संस्था के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए आप 13/11/2019 से लेके 30/11/2019 तक अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा कर पाएंगे अपने संस्था में। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2019-21 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म समिति के वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बता दें, आप लोगों को इस फॉर्म को डाउनलोड या फिर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपको संस्था के द्वारा आपको 2 प्रति में उपलब्ध कराया जाएगा। 1 प्रति आपको फिलअप करने के बाद संस्था में जमा कर देना है 13/11/2019 से लेके 30/11/2019 तक, और फ्रेंड्स 1 प्रति अपने फ्यूचर अपडेट के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, संस्था में उन्हीं लोग का रजिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने 11वीं कक्षा में OFSS पोर्टल के माध्यम से आपने आवेदन कर एडमिशन करवाया होगा। फ्रेंड्स, केवल वही लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने OFSS पोर्टल के माध्यम से कक्षा 11वीं में एडमिशन लिए होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है आपके फ़ोटो के बारे में कि रजिस्ट्रेशन में आपको किस प्रकार का फ़ोटो देना होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, आपका फ़ोटो नवीनतम 6 माह के अंदर का खींचा हुआ कलर फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो का बैकग्राउंड या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर ग्रीन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड ग्रीन या फिर व्हाइट होगा, केवल वही फ़ोटो इस रजिस्ट्रेशन में उपयोग किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, आपको इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2019-21 में रजिस्ट्रेशन और शुल्क के रूप में आपको कितना जमा करना होगा, आप फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, वैसे स्टूडेंट जो नियमित कोटि के हैं उनके लिए 370 रुपया और जो स्वतंत्र या फिर प्राइवेट कैटेगरी के हैं उनके लिए 670 रुपया, और वैसे स्टूडेंट जो 10वीं का परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से दिए हैं, फ्रेंड्स उनके लिए 520 रुपया और स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट के लिए 820 रुपया फी पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन के रूप में। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे जो भी आप फी देख पा रहे हैं, इस फीस से बढ़ा हुआ फीस आपके संस्था में लिया जाएगा। वो इसलिए कि हो सकता है आपका संस्था डेवलपमेंट फ़ी ले ले या फिर आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी उसी में जोड़ दे। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप फ़ी देख रहे हैं, हो सकता है इस फीस से ज़्यादा आपके संस्था द्वारा चार्ज किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे अब बताया गया है फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और अतिरिक्त सब्जेक्ट लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, और अतिरिक्त सब्जेक्ट लेने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सभी के बारे में बताया गया है। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस बार आप चाहे तो 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ताकि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस कर आपको पास किया जाएगा। परंतु कंडीशन ये है कि आपका सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश शामिल होना अनिवार्य है। अब फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में फेल होने के बाद किस सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यदि आप वर्तमान समय में कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं और आपका सत्र 2019-21 है, तो फ्रेंड्स आप लोग 13 नवंबर 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 तक अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।